हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, मार्केट में वीवो कंपनी ने कुछ दिन पहले ही वीवो V21 5G स्मार्टफोन को उतारा था, जो कि दोस्तों कंपनी का एक बढ़िया और अच्छा 5G स्मार्टफोन है। और दोस्तों इस स्मार्टफोन का प्राइस लगभग 30,000 रुपए के आसपास रखा गया है। लेकिन दोस्तों वीवो कंपनी इंडियन मार्केट में अपना एक और नया स्मार्टफोन वीवो V21 सीरीज के अंदर ही लेकर आ रही है, जो की दोस्तों कंपनी का 5G स्मार्टफोन होने वाला है। लेकिन दोस्तों इस स्मार्टफोन का प्राइस लगभग 20 से 22 हजार रुपए के आसपास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वीवो कंपनी आने वाली 24 जून को अपने नए स्मार्टफोन वीवो V21e 5G को लेकर आ रही है। कंपनी का बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम वीवो V21 5G और वीवो V21e 5G स्मार्टफोन को कंपेयर करके बताएंगे कि ये दोनों ही स्मार्टफोन एक दूसरे से कितने अलग होंगे और इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स एक जैसे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी वीवो कंपनी के एक बढ़िया और अच्छे 5G स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे इन दोनों ही स्मार्टफोन के लुक और इनके डिजाइन के साथ। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इन दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको लगभग ज्यादातर फीचर्स एक जैसे ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन का लुक और इनका डिजाइन बिल्कुल एक जैसा होने वाला है। दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर और वाटरप्रूफ नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर इन दोनों स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में बात की जाए तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन अंदर आपको 6.44 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड वाटरप्रूफ नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो की 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ होगी और इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 होगा। तो दोस्तों डिस्प्ले के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन बिल्कुल एक जैसे रहेंगे। दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन अंदर आपको एक ही साइज की एक जैसी सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इन दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्ले के अंदर आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा और इनके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो दोस्तों वीवो V21 5G स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने इसके बैक पैनल के ऊपर आपको 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 44 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया है। जबकि दोस्तों वीवो V21e 5G स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी इसके बैक पैनल के ऊपर आपको 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देने वाली है। तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन के रियर कैमरा के अंदर आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही स्मार्टफोन अंदर आपको इनका मेन प्राइमरी कैमरा सेंसर 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों वीवो V21 5G स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। हालांकि दोस्तों कैमरे के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन बढ़िया रहेंगे। दोनों ही स्मार्टफोन अंदर आपको बढ़िया कैमरा सेंसर देखने को मिल जाते हैं और इनके अंदर आपको कई बढ़िया बढ़िया फीचर्स मिलते हैं। और दोस्तों अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन की वेरिएंट के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं वीवो कंपनी अपने लगभग सभी स्मार्टफोन को एक ही वेरिएंट में मार्केट में उतारती है। तो दोस्तों वीवो V21 5G स्मार्टफोन को कंपनी ने मार्केट में 8 GB रैम के साथ उतारा है, जिसके साथ आपको 128 GB और 256 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है और इसके अंदर आपको माइक्रो हेड कार्ड का भी स्लॉट दिया गया है। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए वीवो V21e 5G स्मार्टफोन के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को कंपनी मार्केट में 8 GB रैम के साथ उतारने वाली है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर आपको सिर्फ 128 GB का ही इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको एक एक वेरियंट देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों स्टोरेज के मामले में वीवो V21 5G स्मार्टफोन के अंदर आपको 2 वेरियंट देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन अंदर आपको मीडियाटेक की डायमेंसिटी सीरीज का चिपसेट देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा कि वीवो V21 5G स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U का चिपसेट दिया है और यह मोबाइल एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको Mali G57 का GB देखने को मिलेगा। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए वीवो V21e 5G स्मार्टफोन के बारे में, तो दोस्तों स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 5G का चिपसेट देने वाली है और यह मोबाइल एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करेगा और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर भी आप Mali G57 का GB देखने को मिलेगा। तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन के प्रोसेसर के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों वीवो V21 5G स्मार्टफोन अंदर आपको मीडियाटेक का बढ़िया और अच्छा पावरफुल प्रोसेसर मिलता है, जो कि आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला है। हालांकि दोस्तों इन दोनों ही स्मार्टफोन अंदर आपको चिपसेट मीडियाटेक का ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन अंदर आपको मेन डिफरेंस इनके प्रोसेसर के अंदर ही देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं वीवो V21 5G स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने 33 वाट के फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट वाली 4000mAh की पावरफुल बैटरी प्रोवाइड कराई है। तो दोस्तों वीवो V21e 5G स्मार्टफोन अंदर भी आपको यही बैटरी देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर भी आपको 33 वाट के फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट वाली 4000mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की बैटरी के अंदर आपको बिल्कुल भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन अंदर आपको मेन डिफरेंस इनके फ्रंट कैमरा और इनके प्रोसेसर के अंदर ही देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों आप इनमें से कौन सा स्मार्टफोन खरीदना पसंद
पसंद करेंगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।